हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं लेके चलती हूँ आज आपको मथुरा, जो कि हमारे एंट्री करते टाइम बच्चे काफ़ी सारी रंगोलियाँ बना रहे थे। और ऐसे ही मथुरा वृंदावन को पूरा चौराहा रोडों पे काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव के टाइम में तो आप जानते ही हो कि कितना अच्छा डेकोरेट किया गया था मथुरा और वृंदावन को। तो हम पहुंच गए मथुरा। ये है मथुरा का होली गेट, मेन मार्केट, और ये देखो कितने अच्छे से सजाई गई है। हम लेने गए थे मार्केट से लड्डू गोपाल जी, और हमें मथुरा से नहीं मिले थे जो मुझे चाहिए थे, तो इसलिए फिर हम लोग उधर से सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं, वृंदावन से ही लेते हैं। तो मथुरा में तो नहीं मिल पाए मुझे जो चाहिए थे, मिले थे लेकिन मुझे स्माइली फेस चाहिए था उनका, तो वो मुझे नहीं मिल पा रहे थे जो मुझे चाहिए थे, जो एक बार में ही मन मोह ले। तो यहाँ पे सभी चौराहे देखो कितने सुंदर तरीके से सजाए गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गली गली में देखो म्यूज़िक चल रहा था, डांस हो रहा था, म्यूज़िक का तो आप जानते ही हो कि क्या कर सकते हैं। और ये सभी लोग परिक्रमा लगाते हुए बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सभी लोग जितने पैदल यात्री हैं, ये सब कुछ दर्शन करके लौट रहे हैं और कुछ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जितने भी चौराहे पड़ेंगे मथुरा वृंदावन के बीच में, वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। देखिए सारी जगह जितने भी चौराहे, सारे बहुत अच्छे तरीके से सजाए गए हैं। और चलते हैं वृंदावन की साइड, सारे चौराहे ऐसे ही देखते हुए। और क्योंकि कल की जन्माष्टमी है, तो आज ही सारे चौराहे डेकोरेट कर दिए गए, यानी एक दिन पहले ही सारा डेकोरेट कर दिया गया है मथुरा वृंदावन को, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हम पहुंचने वाले हैं वृंदावन, और मुझे ये बताना प्लीज़ मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। जो न्यू है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन बिहारी जी के मंदिर के पास में, और ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा बिहारी जी का फ्रंट गेट। तो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह अभी और लग रही है, सारी कल की तैयारी अभी हो रही है इधर। और ये पूरी मार्केट है, यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके राधा बल्लभ जी तक मैंने लड्डू गोपाल जी देख लिए, लेकिन मुझे वो लड्डू गोपाल जी नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे। तो मैं निराश होके बल्लभ जी महाराज जी के मंदिर गई, बिहारी जी के नहीं गई मंदिर में, क्योंकि मैंने बोला मैं आपके दर्शन तभी करके जाऊँगी जब मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ हम अचानक से दोनों लोग पहुँच गए और यहाँ दर्शन किए मैंने, और मैं थोड़ा सा उदास हो गई कि पता नहीं आप मेरे साथ आज जाओगे नहीं जाओगे मेरे घर। तो फिर रास्ते में हमें वो मिल गए थे, देखो मेरे ये लड्डू गोपाल जी हैं। हमने माला ली, तुलसी ली, तुलसी की माला ली और फूल माला ली बिहारी जी के मंदिर पे चढ़ाने के लिए। लेकिन वहाँ का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं वीडियो नहीं निकाल पाई वहाँ का। और ये श्री हरि विष्णु जी का मंदिर है जो कि हमें रास्ते में पड़ा था, तो उनकी मर्ज़ी थी कि हम लोग इधर जाएं, तो फिर हम लोग इधर रुके, इधर दर्शन किए हमने अच्छे से। तो मेरे लड्डू गोपाल जी, पहले हम लोग गए थे बिहारी जी के दर्शन के लिए, उसके बाद गए हम दोबारा से राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, फिर उसके बाद श्री हरि जी हमें रास्ते में मिले, तो हम उनके भी दर्शन करते हुए निकल लिए। लेकिन हम लोग लेट इतना हो गए थे कि ये कल की तैयारी करी जा रही है सभी मंदिरों में, तो हम लोग जन्मभूमि से भी निकल के आए थे लेकिन वहाँ सारे पट वगैरह बंद हो चुके थे और डेकोरेट पूरा चल रहा था वहाँ, तो वहाँ जाना बंद कर दिया था नाइट को। तो फिर उधर का मैं वीडियो वगैरह नहीं निकाल पाई और मंदिर भी बंद हो गया था। तो जितना भी हम लोग मंदिर पड़े रास्ते में, सब मंदिर में होते हुए, और श्री हरि जी का देखो कितना सुंदर सजाया है। और ये देखो मेरे हस्बैंड लाला को लेके बैठे हैं, मैंने उनको बोला आप लाला को लेके बैठो इधर और मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ा सा मंदिर की, तो मेरा सभी लोग देख लेंगे कि मेरा लाला कहाँ कहाँ घूमा था। तो श्री हरि जी विष्णु जी की और बिहारी जी के मंदिर और पल्लव महाराज जी के मंदिर, सभी मंदिरों में घूमते हुए फिर उसके बाद लाला हमारा घर पहुंचा, और वहां पे हमारी दोनों छोटी छोटी दीदियों से मिला और दोनों भाइयों से मिला, और घर में जाके बहुत खुश हुए सभी लोग, क्योंकि हमें काफ़ी नाइट हो गई थी, 11 बजे समथिंग हम लोग घर पहुंचे थे यहां से, लेकिन हाँ 4 बजे हम लोग घर से निकले थे, 11 बजे समथिंग पहुँचे थे फिर नाइट में घर पर। और लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि निराश नहीं किया मेरे लड्डू गोपाल जी ने, मुझे मिल गए थे जो कि मैं लेके आई थी। और मुझे आप लोग बताना मेरे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लगे,
और कैसे लगे आपको श्री हरि विष्णु और मथुरा वृंदावन की जितनी भी सजावट थी आप लोगों को कैसी लगी। और भी बहुत सारे चौराहे थे लेकिन जो जो मुझे रास्ते में पड़े वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और चौराहे भी पड़े थे लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे से वीडियो बनाना, तो जितना हो पाया मैं उतना ही कर पाई। तो आप लोग मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे।